हाँ जी बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रो केमिस्ट्री? इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री। So how will we define this electrochemistry? It is the branch of science. It is the branch of science which deals with the production of electricity from the energy released during the spontaneous chemical reaction. So, what do you mean by electrochemistry? It is the branch of science which deals with the production of electricity. Means electrochemistry de vich ida main focus ki hai production of electricity. Assi electrical energy generate karni hai from the energy, but oh electricity kithon generate karni hai? उस एनर्जी तो जो एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन, बट वो केमिकल रिएक्शन की होनी चाहिए है स्पॉन्टेनियस। इन द प्लस वन क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कितनी होती है ने जिन्हें एक बारी स्टार्ट करने की जरूरत है या वो अपने आप ही आगे प्रोसीड कर दिया रहती ने। ठीक है, तो इस टाइप दी रिएक्शन के विच जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी नूं असी कन्वर्ट करना है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड, ठीक है, दिस इज यूज्ड फर्दर फॉर कैरिंग आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो जिहड़ी इलेक्ट्रिसिटी असी इत्थे जनरेट करते हैं बनाने हैं उन्हों असी फर्दर किस चीज़ लिए यूज़ करते हैं? जिहड़ियां केमिकल रिएक्शंस अपने आप पॉसिबल नहीं होंदियां। सो दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर रिडॉक्स रिएक्शन। जो भी रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दे विच यूज़ की जाती है दैट इज रिडॉक्स इन नेचर। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन इन प्लस वन क्लास? अगेन, रिडॉक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिस विच एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरी चीज़ रिड्यूस हो रही है दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इन अ कंटेनर, वी हैव टेकन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विच इज़ ब्लू इन कलर एंड वी पुट सम जिंक ग्रैन्यूल्स इन टू इट। ठीक है, असी कोई कंटेनर लिता उस विच की डालिया हुआ कॉपर सल्फेट ब्लू एंड वी एडिड सम जिंक ग्रैन्यूल्स, आफ्टर सम टाइम इट विल बी कलरलैस। सो मीन्स जिंक और कॉपर सल्फेट दे विच कोई रिएक्शन होने तो बाद जो सोल्यूशन है दैट इज कलरलैस एंड रिएक्शन इज लाइक जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सो इन दिस केस जिंक हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, हेयर इट हैज़ ऑक्सीडेशन प्लस टू, हेयर प्लस टू माइनस टू, हेयर जीरो एंड माइनस टू। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड कॉपर इज अंडरगोइंग रिडक्शन। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। जिंक भी की हो रही है
ऑक्सीडेशन, बिकॉज द ऑक्सीडेशन नंबर जीरो तो की हो रहा है प्लस टू, और कॉपर की हो रही है रिडक्शन, ठीक है। और जिस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है दैट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन एंड दीज रिएक्शंस फॉर्म द बेसिस ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इज योर मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। So before discussing the topic metallic and electrolytic conductance, you should know what do you mean by conductance, ठीक है। Metallic and electrolytic conductance. So देखो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस टर्म इज रिलेटेड टू कंडक्टर्स, ठीक है। हूँ असी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, एंड कंडक्टेंस टर्म इज ऑल्सो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। एनी थिंग विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, कोई भी चीज़ है जिस विच इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स। And the materials which don't allow the passage of electricity are known as insulators. The conductors ki hoge? Conductors mean which allows the passage of electricity through them. कोई भी ऐसी चीज़ जिस विचों इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है दे आर नोन एज कंडक्टर्स, एंड एनीथिंग विच डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है, और यू कैन से नॉन कंडक्टर्स। सो नेक्स्ट इज मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ कंडक्टेंस। So metallic conductance, metallic word is related to metals. Metallic conductance, these are the metallic substances which allows the passage of electricity in their solid or you can say original state without undergoing any dissociation. देखो metallic conductance, metallic word relates to metals. Usually ये जो conductance है it is related with the metals. कोई भी metal है, लो copper है, silver है, aluminium है, अपनी जिन्हिया भी wires ने electricity दिया they are usually made up of copper or aluminium, ठीक है। They allow the passage of electricity through them, that's why they are called as conductors. But ये जो metals ने इन्हों के विचों जो electricity नू pass किया जाता है they don't undergo dissociation, means उन्हों के विच कोई breakage नहीं होंगी in two ions, ठीक है। वो solid state के विच ही electricity नू अपने के विचों pass होना allow करती ने, ठीक है। So this they allows the passage of electricity in their original state without undergoing any dissociation. हुन matters दे विच इदां दी केड़ी चीज़ है जिस करके electricity pass हो रही है। So बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट है जो दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज एनी वायर एंड वी
heat it here. So this electron will pass on further, and with the movement of this electron, electricity passes through this material. So in case of metals, electric current is because of the flow of electrons. So that's why this conductance is also known as electronic conductance. This electronic word relates to the flow of electrons. So another term which is used for metallic conductance is electronic conductance. And this conductance depends upon the nature of metal. ठीक है, किस metal दे विच्चों किन्नी fastly electricity pass हो सकती है, that depends upon the nature of metal, temperature of the metal as well as number of electrons. ठीक है, for your exams, one mark question is important. How the metallic conductance varies with the temperature? मीन्स अगर असी टेंपरेचर नू इनक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो मटैलिक कंडक्टेंस के उपर की इफेक्ट आ रहा है. सो इफ वी इनक्रीज द टेंपरेचर द मटैलिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस. अगर असी टेंपरेचर नू इनक्रीज करांगे तो मटैलिक कंडक्टेंस हमेशा डिक्रीज करेगी. ठीक है, सो दिस इज मेटालिक कंडक्टेंस. सेकंड इज योर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. सेकंड टाइप इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. दीज आर द कंडक्टर्स which allows the passage of electricity in their molten state or in aqueous solution or by undergoing some dissociation. These are the conductors. ये वो वाले conductors ने जिन्हां दे विच electricity pass ता होएगी but in their molten state means पिघली हुए form या सॉल्यूशन फॉर्म या आफ्टर गेटिंग डिसोसिएटेड. ठीक है, इन्हां दे विच सॉलिड स्टेट दे विच कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होएगी. सो डिसोसिएटेड, फॉर एग्जांपल वी हैव एनी इलेक्ट्रोलाइट ए बी. ठीक है, इट कैन डिसोसिएटेड इनटू ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव. सो दीज आर नोन एज आयंस. नाउ दीज आयंस विल कंडक्ट electricity. ठीक है, means electrolytic conductance is not possible in the solid state, it is possible only in the molten state or in aqueous solution or by undergoing some dissociation. Because the conductance is because of the presence of ions, so this type of conductance is also known as ionic conductance. Metallic conductance is known as electronic and electrolytic conductance is known as ionic conductance. ठीक है, so these type of substances which are dissociated into their ions are known as electrolytes. Electrolytes, again electro means electricity, lights means break. electricity through this AB substance, it undergoes breakage
into its ions, and these ions then conduct the electricity. So such type of substances are known as electrolytes. Again, these electrolytes can be divided into strong and weak electrolytes. So next is, what do you mean by strong and weak electrolytes? Strong electrolytes and weak electrolytes. देखो दोनों के नाल टर्म है इलैक्ट्रोलाइट्स मीनस दे विल ब्रेक बाय सप्लाइंग इलैक्ट्रिसिटी टू दैम मीनस जदों भी आप इन्हों के इलैक्ट्रिसिटी पास करेंगे दे विल ब्रेक इन टू दियर ऑयंस बट स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली ब्रोकन इन टू दियर रिस्पेक्टिव ऑयंस फॉर एग्जाम्पल एन ए सी एल के सी एल एच सी एल एन ए ओ एच In these substances, whenever we pass electricity in the molten state, they are completely dissociated into their ions. Sodium positive, chlorine negative, potassium positive, chlorine negative, so on. So such type of electrolytes are known as strong electrolytes. But there are some examples which don't undergo complete dissociation on the passage of electricity. For example, CH3COOH. This is acetic acid. Zinc chloride, mercuric chloride. They undergo dissociation, for example, acetate ion and H1, but not completely. They can also recombine to form acetic acid. Means इना तो ऑयंस बनते ने बट नाल दी नाल कुछ ऑयंस दोबारा की बन जाते ने एसिटिक एसिड मीन्स दे डोंट अंडरगो कंप्लीट ब्रेकेज सो दीज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वी यूज द टर्म डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन or degree of ionization. So degree of dissociation or ionization is represented by term alpha. For weak electrolytes, alpha is always less than 1 and for strong electrolytes, alpha is always equal to 1. Because what is alpha? It is the fraction of molecules which undergoes dissociation. For example, if we have 10 molecules of acetic acid and let 4 are dissociated. So fraction jinne dissociated upon total, it will be 0.4 or it 7 by 10, it will be 0 by 7. Their value is always less than 1 because they don't undergo complete dissociation. But in case of strong electrolytes, if we have 10 molecules of NaCl, 10 and 10 will be broken. So degree of dissociation will be 10 by 10 equal to 1, 15 by 15 equal to 1. So for strong electrolytes, alpha is always equal to 1 and for weak electrolyte, it is always less than 1. So these are the general terms which are used in the electrochemistry. Next is factors affecting the electrical conductivity of electrolytes. What are the factors which affect the electrolytic conductance? Factors affecting electrolytic conductance. So first is nature of electrolyte. Second is nature of solvent. Third is
size of ions. Fourth is concentration of solution. And fifth is temperature. So these are the factors which affect the electrolytic conductance. First is nature of electrolyte. Nature means whether it is strong or weak. And we know if the electrolyte is strong. Agar electrolyte strong hai, it will be completely dissociated into its ions. Number of ions will be more, so the conductance will be more. So if the electrolyte is strong, then its electrolytic conductance will be high, and if it is weak in nature, its conductance will be low. Next, nature of solvent. In electrolytic conductance, we say that they conduct electricity in their solution form or molten form. Means we are using some solvent to make their solution. So if the solvent is polar, then the conductance will be more. If the solvent is polar, then the conductance will be more, and if the solvent is non-polar, then the conductance will be low. अगर सॉल्वेंट पोलर नेचर का है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होएगी, अगर नॉन पोलर है तो कंडक्टेंस कट होएगी. साइज ऑफ आयंस. नाउ वी से दैट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस दे विच की होएगा, दीज टाइप ऑफ चार्ज आयंस आर कैरिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दीज आर आयंस. नाउ वी टेक टू एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल दिस इज द साइज ऑफ आयंस, and second time this is the size of ions. So in a ions ne electricity nu carry karna hai. So smaller is the size of ion, they will conduct electricity faster, but if the size of ions are bigger, they will conduct electricity slowly. So more is the size of ion, lesser will be their conductivity. Next is the concentration of solution. It is noticed that if the concentration of solution is high, agar solution de vich number of moles, ya sikho ki concentration of solution is more, then its conductance will be low. This topic we will discuss in the next lecture in detail. ठीक है, जिद्दा जिद्दा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कटती जाएगी, एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेज, इट्स कंडक्टेंस इनक्रीजेज. ठीक है, अगर कंसंट्रेशन नो वधा दोगे तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी, अगर कंसंट्रेशन नो घटा दोगे तो कंडक्टेंस इनक्रीज करेगी. लास्ट इज टेम्परेचर. Now, if we increase the temperature, the conductance goes on increasing. The conductance hamesha ki kardi hai? Increase. Because jidda jidda temperature increase karda hai, the ions di kinetic energy increase kardi hai. Unna da flow fast ho janda hai, aur electricity da flow bhi ki hai, fast ho jega. So, with increase in temperature, electrolytic conductance goes on increasing. So I will repeat once again, nature of electrolyte. For strong electrolyte, conductance will be more. For weak electrolytes, conductance will be less. Nature of solvent. Polar solvent, conductance more. Non-polar, conductance less. Size of ion. Larger the size, slower will be the conductance. If the size is smaller, more will be the conductance. Concentration of solution. If we increase the concentration, conductance decreases. And if we decrease the concentration, if we increase the concentration, conductance decreases. And if we decrease the concentration, conductance increases. Last is temperature. With the increase in temperature, conductance goes on increasing, because with the increase in temperature, the flow of ions increases. ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस.